स्कैम 1992 देखने के बाद सबके मन में ये मिस्ट्री बन गया कि आखिर ये भूषण भट्ट था कौन, क्योंकि भूषण भट्ट की वजह से हर्षद मेहता को वापस जेल जाना पड़ा था। एक्चुअली स्कैम 1992 जब हुआ तब भूषण भट्ट ने 300 करोड़ के शेयर्स बिना बताए बेच दिए थे, क्योंकि उसे लगा था कि हर्षद मेहता जेल जाएगा और सब बर्बाद हो जाएगा। इसलिए उसने अपने फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए उसने 300 करोड़ के शेयर बिना बताए बेच दिए थे। और ये बात अश्विन मेहता, जो हर्षद मेहता के भाई है, उन्हें पता चलती है कि 300 करोड़ के शेयर गायब है। और बाद में उन्हें ये भी पता चलता है कि भूषण भट्ट ने ही वो शेयर्स बेच दिए थे, जिसकी वजह से हर्षद मेहता को वापस जेल जाना पड़ता है। और काफी लोगों को वेब सीरीज का वो पार्ट देखने पर भूषण भट्ट पर गुस्सा भी आया होगा। गुस्सा आना भी चाहिए भाई, गद्दारी जो किया था उसने। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि रियल लाइफ में ये भूषण भट्ट है कौन। तो भाई उसका नाम है केतन पारेख। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, केतन पारेख की रियल लाइफ का भूषण भट्ट है। एक्चुअली उसने अपना रियल नेम रिवील होने से मना किया रहेगा, इसी वजह से वेब सीरीज में उसका नाम भूषण भट्ट है। आई नो इतने जल्दी आप बिलीव नहीं करोगे, इसलिए मैं आपको थोड़ा और डिटेल्स में बताता हूँ। केतन पारेख पहले हर्षद मेहता के साथ काम करता था और बाद में उसने हर्षद मेहता की कंपनी भी ज्वाइन की थी। पर केतन पारेख एक सीए था। अब ध्यान देते हैं स्कैम 1992 वेब सीरीज पर, जहां आपको ये देखने को मिलेगा कि भूषण भट्ट पहले हर्षद मेहता का टीचर रहता है, जो उसे स्टॉक मार्केट के बारे में बताता है। और बाद में जब हर्षद मेहता अपनी कंपनी ओपन करते हैं तो भूषण भट्ट भी उसमें ज्वाइन हो जाता है। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो वो हर्षद मेहता की ग्रो मोर कंपनी में भी अकाउंट्स ही हैंडल करता था। और जैसा कि मैंने बताया कि केतन पारेख भी एक सीए था। और सबसे बड़ी बात यह है कि केतन पारेख भी बहुत बड़े स्कैम में आगे पकड़ा गया था, और वो स्कैम उसने 1998 से 2001 के बीच में किया था, जिसके बारे में सबको 2008 में पता चला था। अब अगर स्कैम 1992 वेब सीरीज की बात करें तो 2001 में ही हर्षद मेहता को भूषण भट्ट का AKA केतन पारेख के स्कैम के बारे में पता चला था। तो इसका मतलब साफ साफ यही है कि केतन पारेख ही भूषण भट्ट है। अब यहाँ उसने अपनी इमेज ज़्यादा डाउन ना होने की वजह से उसने अपना रियल नेम रिवील नहीं किया, तभी उसके कैरेक्टर को भूषण भट्ट का नाम दिया गया है और थोड़ा घुमाकर दिखाया गया है। मुझे तो बस अभी तक इतने ही डिटेल्स मिला है। अगर मुझे आगे इसके रिगार्डिंग कुछ और मिलता है तो मैं उसे आप तक जरूर लाऊंगा। आप सभी का क्या कहना है इस बारे में हमें कमेंट में ज़रूर बताना। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, और ऐसी वीडियो से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। मैं अभी सानी और आप देख रहे थे AIO मिस्ट्री।